हेलो गाइस, आज आप सभी बताओ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। वीडियो को देखकर गैस करें कि आज क्या बनेगा। पता चला कुछ? सोचो। तो चलिए छोड़िए, मैं ही आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम ट्राउज़र पैंट की मूरी का डिज़ाइन बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है जिसकी लंबाई हमने 4 इंच और इसकी चौड़ाई हमने अपनी स्लीव्स की मोरी के अकॉर्डिंग ली है। अब इसके बाद एक और फैब्रिक को लेंगे जिसकी चौड़ाई भी हम 4 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई हम इस पट्टी से ज़्यादा रखेंगे। ये देखिए 4 इंच इसकी लंबाई हो गई है और इसकी चौड़ाई हमने पहले 18.5 रखी थी पहली वाली पट्टी की, और ये हमने 31 इंच तक रखी है, यानी कि हमने 13 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आपने ऐसे दो फैब्रिक को कट कर लेना है। अब इसके बाद हम उस फैब्रिक की पट्टी को लेंगे जिसकी लंबाई हमारी 13 इंच ज़्यादा थी और इसको तिरछा फोल्ड करके इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे, ये देखिए। अब इसके बाद 1/2 इंच की दूरी पे हम फिर से निशान लगाएंगे तिरछा और इसको फोल्ड करके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही आपको सभी फैब्रिक के ऊपर तिरछा सिलाई को लगा देना है। हम पेंटेक्स वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ये पेंटेक्स की सिलाई आप सीधी भी लगा सकते हो जैसे कि हमने तिरछे लिए हैं। आपको इस सिलाई को बिल्कुल किनारे के ऊपर लगाना है, यानी कि आपको कम ज़्यादा नहीं रखना है जिससे कि आपके पेंटेक्स अच्छे नहीं बनेंगे। पूरी सफाई से आप इस सिलाई को लगा लेना। और जो लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर से प्रेस कर लेना जिससे कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और जिन लोगों ने कर लिया है उनका दिल से शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। फैब्रिक के ऊपर हमारी पेंटेक्स वाली सिलाई लग चुकी है। इसके बाद हमने फैब्रिक डोरी को लिया है जिसके हम 2-2 इंच के पीस को कट करेंगे। ऐसे आपको बहुत सारे पीसेस को कट कर लेना है। अगर आपको प्लाजो पैंट के कलर की रेडीमेड डोरी मिल जाती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी सारे पीसेस को कट करने के बाद हम दूसरे पीस को कट करेंगे। सबसे पहले हम पहले वाले पीस को डबल फोल्ड करेंगे और दूसरे को उसके ऊपर कवर करेंगे। कवर करके आपको कट कर देना है। ये देखिए हमारे ये पीस 2 इंच से ज़्यादा होगा। ऐसे आपको बहुत सारे पीसेस को कट कर लेना है। जो हमने पहले पीस कट करे हैं उनको एक साइड में रखेंगे और जो अब कर रहे हैं उनको हम एक साइड में रखेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। ये देखिए हमारे छोटे पीसेस हैं, ये बड़े हैं। इसके बाद आपको बड़े साइज़ की डोरी को लेना है, वो बाहर वाली साइड रखेंगे और छोटी वाली वो अंदर वाली साइड रखेंगे और उसको यू शेप में फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ऐसे आपको काफ़ी सारे पीसेस को बना लेना है। ये आपको छोटे बड़े नहीं रखने हैं। अगर आपने डोरी को सही साइज़ में कट किया होगा तो आपके ये पीसेस छोटे बड़े नहीं होंगे। ऐसे आपको सभी पीसेस को पूरी सफाई से बना लेना है। इन डोरी लूप का इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हो, आप अपने नेक में भी लगा सकते हो। डोरी लूप से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप उन्हें ज़रूर देख लेना। ये डिज़ाइन आप अपनी स्लीव्स में भी बना सकते हो, बहुत ही सुंदर बनेगा। डोरी लूप हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हम पेंटेक्स वाला फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक के ऊपर रखकर हम इन लूप को लगाएंगे और यहाँ पे आपको सिलाई एक एक पैर की लगानी है। अगर आपके प्लाजो का कपड़ा ढीला है तो आप इस कपड़े के नीचे पेस्टिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपके पेंटेक्स बहुत ही सुंदर बनेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी को कट किया था उसके ऊपर रख के हम सिलाई को लगा लेंगे। जो हमारी सिलाई पहले लगी है उसके आगे थोड़ा सा सिलाई को लगाएंगे जिससे कि हमारी पहले वाली सिलाई नीचे कवर हो जाएगी। हमने पेस्टिंग पेपर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमारा ये फैब्रिक इतना ढीला नहीं था, थोड़ा सा हार्ड ही था, तो हमारे पेंटेक्स अच्छी तरह से बन गए हैं। सिलाई हमारी लग चुकी है। इसके बाद जो हमारा पेंटेक्स वाला फैब्रिक है उसको दूसरे साइड में पलट के इसके किनारे किनारे के ऊपर हम सिलाई को लगा देंगे। आप यहाँ पे एक एक पैर की भी सिलाई लगा सकते हो जहाँ पे हम किनारे वाली सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद इसको नीचे वाले फैब्रिक से साथ अटैच करने के लिए हम रफ सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारा पेंटेक्स वाला फैब्रिक नीचे वाले फैब्रिक के साथ अच्छी तरह से अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद हमने ऑफ वाइट कलर की किनारी वाली लेस ली है जिसको हम इस पेंटेक्स के ऊपर रख के सिलाई को लगाएंगे। ये लेस हमने उल्टी रखी है। डिज़ाइन वाला पैटर्न हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इस पैटर्न को प्लाजो पैंट की मूरी के ऊपर रख के सिलाई को लगाएंगे। जहाँ पे हमने लेस वाली सिलाई को लगाया है वही सिलाई के ऊपर ऊपर हम सिलाई को चला देंगे और डिज़ाइन को दूसरी तरफ फोल्ड करने के बाद लेस की किनारी किनारी के ऊपर हम सिलाई को लगा देंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। हमने ट्राउज़र पैंट की दोनों मूरी के ऊपर इस डिज़ाइन को बना लिया है। इसके बाद हम प्लाजो पैंट की साइड वाली सिलाई को लगाएंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है।
कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन कमेंट में जल्दी जल्दी से बता दो। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। नए लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी यहाँ से क्लिक कर लेना, जिससे कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्दी से आप भी इस डिज़ाइन को बना लो। बाय बाय।